माताओं को भगवान ने बहुत अच्छी दी है, बताओ क्या? एक दी है क्षमा का गुण, ठीक है? कभी किसी चीज पर गुस्सा भी हो जाए तो क्षमा दान करें। दूसरा दिया सौम्यता का गुण, तीसरा दिया है वाणी का गुण जो सबसे बड़ा है। दिया है कि नहीं दिया? सबको सबको सुंदर सुंदर, और भाइयों को भी दिया, ऐसा नहीं है। अब इनकी तीखी वाली बाड़ी होती है वो बात अलग है, लेकिन माताओं को विशेष कर दिया है। अगर ट्रेन में जाएं तो भाई लोगों को सीट कम मिल सकती है, लेकिन माताओं को तुरंत मिल जाती है। ये बोलती इतने प्यार से, भाई साहब थोड़े से हमारे टिकट नहीं हो पाई है क्लियर, आप प्लीज़ एक सीट दे दें, थोड़ा सा बस इतने से दूर पे तो जाना है। भाई साहब भाई साहब, तो बेचारे पुरुष भाई भी पिघल जाते, उन्होंने कहा ठीक है बहन जी बैठ जाओ। वो खुद इतने से चौड़ कर बैठे होंगे तो वो ऐसे हो जाएंगे, बहन जी बैठ जाए आप आराम से बैठ जाए। और हमारे भाई लोग तो होते हैं बड़े तनक के, बोलते हैं अरे सीट खाली करिए ना हम भी बैठेंगे। तो क्या होता है, भाई लोग ऐसे बैठे होते, कोई सीट पर ऐसे बैठा होगा तो वो ऐसे बैठ जाएंगे, नहीं है सीट जाओ, नहीं खाली करेंगे। तो माताओं को ये गुण भगवान ने बहुत अच्छा दिया है कि वो बहुत अच्छे से बात करती हैं, मीठा बोलती हैं। सौम्यता का, मिठास का गुण है तो उसका दुरुपयोग ना करें, खासकर घरों में कलह कराने के लिए तो बिल्कुल भी ना करें। ऐसा कोई कार्य ना करें कि भगवान को भी आप पर ये आए कि मैंने इनको मिठास का गुण दिया, इनको वाणी दी, लेकिन ये एक दूसरे में लड़ाई झगड़े कराने के लिए उस वाणी का उपयोग करती हैं। कभी इस वाणी का सदुपयोग दूसरों के घर जोड़ने में, दूसरों के मन के अशांति को खत्म करने के लिए नहीं कहा, तो फिर ये वाणी दोबारा आपको नहीं मिलेगी, इस बात का याद रखिएगा। कर्कश हो जाएगी और इसी वजह से आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा। स्वभाव बिगड़ने से आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, और बुद्धि बिगड़ जाती है जिसकी, उसके यहाँ नाश हो जाता है। क्या होता है? बुद्धि प्रणश्यति, तो नाश हो जाता उस व्यक्ति का। इसलिए इस बात का हमेशा याद रखें कि वाणी से जितना अच्छा बोलेंगे उतना ही आपके स्वभाव पर, आपके चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आप कोई अच्छा हृदय वाला होगा, सौम्य हृदय वाला होगा, अगर कभी किसी को क्रोध में आकर गलत भी बोल देता है ना, तो उसे 10 बार पश्चाताप होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो व्यक्ति मुझे मिलेगा ना तो मैं अवश्य उसे क्षमा याचन मांग लूँगा। और सोचते ही रह जाते हैं वो दो शब्द, कौन से इंग्लिश में वर्ड है ना, सॉरी, माफ़ी, वो बोलने में सालों साल निकल जाते हैं और पूरी दुश्मनी बनी रहती है। केवल एक शब्द बोलना पड़ता है, माफ़ी चाहते भैया हमसे उस दिन गलत हो गया, माफ़ कर दें आप। इसलिए माताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको भगवान ने सुंदर ये वाणी का गुण दिया है तो उसका सदुपयोग करें, उस वाणी से किसी का हृदय ना दुखे। एक बात का हमेशा पालन कीजिएगा, जो शब्द आप अपने लिए नहीं सुन सकते तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता किसी दूसरे को वो शब्द सुनाए। वो शब्द आप सुन सकते हैं, वो अब शब्द अगर आप सुन सकते हैं तो ही किसी दूसरे को बोलिएगा, चाहे वो परिवार की बड़ी माताएं बहनें हों या छोटे हों या भाई लोग हों। अगर आप उन शब्दों को किसी दूसरे से अपने लिए सुन सकते हैं तो अवश्य आप बोलें, और जो नहीं सुन सकते उन शब्दों का आप बिल्कुल मत उपयोग करिए, क्योंकि कभी कभी ये शब्द बहुत आत्मघात देते हैं, बड़ी पीड़ा देते हैं। एक व्यक्ति को इतना कष्ट किसी दुख में नहीं मिलता जितना ये शब्दों के बाण जो होते हैं ना हमारा, ये दे देते हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।